अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जिस युवक ने राजनीति की दुनिया में नई क्रांति ला दी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की खोज कहते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ, परंतु अरविंद केजरीवाल के अंदर ये खासियत मौजूद थी, उनकी प्रतिभा उनके अंदर थी, तब जाकर उन्हें उनके प्रतिभा के कारण पहचान मिली। आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नाम से जो पार्टी चला रहे हैं उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, और इस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का नाम भी हासिल कर लिया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी इनको मिल गया है। दो राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार है, और दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में इनके विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, और वहां पर ये अपने राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। परंतु बीते कुछ वर्षों से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जब से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जैसे मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी की या मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी की, तो ये दो ऐसे सितारे, उनका जब उनको जेल कर दी गई और उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल पर हर तरफ से हल्ला बोल चल रहा था, तब भी अरविंद केजरीवाल अकेला एक इंसान जो कि सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे थे उन राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार कर भी रहे थे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में डटे हुए थे। परंतु बीते दिनों जब उनको ईडी का समन जारी होता है तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के होशियारपुर के विपासना केंद्र में पहुंच जाते हैं। ये केंद्र ध्यान साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब लोग ये सोच रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे होंगे कि ईडी के रेड से या ईडी के डर से वो विपासना केंद्र में चले गए। जी नहीं, यहां आप गलत हैं। अरविंद केजरीवाल का मैं प्रशंसक नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल का मैं शुभचिंतक नहीं हूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिमाग, ऐसा दिमाग जिसने कि यूपीएससी के परीक्षा को क्रैक करके आईआरएस ऑफिसर भी रहे हो, एक ऐसा दिमाग जिसने 10 वर्ष के कम अंतराल में दो राज्यों में अपनी सरकार खड़ी कर दी हो, एक ऐसा दिमाग जो कि अब हर किसी के आकर्षण का केंद्र है, एक ऐसा दिमाग जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, एक ऐसा दिमाग जिसकी लोग सराहना करते हैं, वो दिमाग किससे डर के भागेगा? नहीं, 10 दिन का लंबा अंतराल है अध्यात्म के लिए। अध्यात्म दोस्तों वो शक्ति है जो आपके अंदर की शक्ति से आपको परिचित करवाती है। आप बहुत सारी समस्याओं से जब लड़ रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक चित्त होकर शांत बैठ जाते हैं, शांत बैठकर आप समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ऐसे दौर में आपका दिमाग आपको 36,000 आइडिया दे देता है, मैं तो 36,000 कह रहा हूं, लाखों आइडिया आपको आता होगा पॉजिटिव, और वो आइडिया आपको उन समस्याओं से समाधान की ओर जरूर ले जाता है जिस समस्याओं से आप उस समय लगातार लड़ रहे होते हैं। जी हाँ, एक 10 दिन के अध्यात्म के बाद अरविंद केजरीवाल और उनका दिमाग बहुत जबरदस्त वापसी करने वाला है। राजनीति शास्त्र को पढ़ने वाले विद्यार्थी और जर्नलिज्म के छात्र, मेरी बात को ध्यान से सुन ले, ये चीजें आप सबके लिए सीखने वाली होगी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी इस अध्यात्म से, विपासना केंद्र से जब वापसी करके वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, तब उनकी सोचने की शक्ति और उनके काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होगा और एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। तो मुझे और आपको, हम सबको बड़े बेसब्री से इंतजार होना चाहिए उन पल का जब ये 10 दिन के अध्यात्म के बाद वापस सक्रिय राजनीति में आएंगे। बहुत करीब से इनकी राजनीति को देखिएगा, क्योंकि आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं तब भी आप स्वतंत्र हैं, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, क्योंकि आप आजाद भारत के नागरिक हैं। बेझिझक लिख दीजिए जो दिल करे, मैं आपके प्रत्येक सुझावों का स्वागत करूंगा। धन्यवाद।